इन लंबे करियर में जहां मुझे राजनीतिक रूप से भी काम करने का मौका मिला और प्रशासनिक तो मैं काम करता ही रहा शुरू से, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ऐसे संस्था सामने आई, मुलाकात हुई, बातें हुई, लेकिन अब समय में राजस्थान मित्रमंडल का काम देखकर जिस प्रकार से मैं बहुत प्रभावित हुआ उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे भी दो चार जगह जाने का मौका मिला और इसी की वजह से आज मैं सिरोही में था, किसी प्रोग्राम से मैंने इन्वाइट लेकर के मैंने कहा इस प्रोग्राम में मैंने हाँ करी है, मुझे इस प्रोग्राम में सब सम्मिलित होना है। ये राजस्थान सरकार की इसी प्रकार के कामों को करने के लिए संस्था है और हमारा और आपका उद्देश्य एक है और जो भी प्रवासी जो राजस्थान से बाहर हैं उनके साथ जुड़कर उनके लिए उनके भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़िए और उनके सुख और दुख में आप भागीदार बनिए, यही हमारा भी काम है। अपनी तरफ से आप लोग को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार की तरफ से हम लोगों ने साथ मिलकर के कई निर्णय लिए हैं जिसमें एक योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से राजस्थान से जो गरीब और जरूरतमंद लोग आते हैं इसमें सदरजंग में इलाज कराने उनके लिए रहना खाना और सरकार की तरफ से क्या मदद हो सकती है, यहाँ पे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई जो योजना है उसका भी काम हम विस्तार करने वाले हैं और जो एक समस्या बताई कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन संभव नहीं हो पाता किन्हीं कारणों से वो ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने का भी प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं।